ओम सभी को नमस्ते जी। अनमोल जीवन ओनली वन ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय में आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। जैसे जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सभी साथी हमारे साथ हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, और आज हमारे साथ एक बहुत बड़े ऑफिसर दिल्ली पुलिस से हैं जो बताएंगे किस तरह से हम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, कितने अच्छे ऑप्शन है दिल्ली पुलिस में जाने के लिए, और उसके बाद किस तरह से हम देश की सेवा कर सकते हैं। तो आज विशेष एक विचार विमर्श हम करेंगे सर के साथ। बच्चों, आप लोगों को ट्रेनिंग करते हुए मैंने देखा, मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मैं जानूं कि आप लोग किस चीज की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कोच साहब से पता चला, जैसा उन्होंने अभी कहा भी है, कि आप सब लोग आर्मी की ट्रेनिंग, आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि आप अपने देश के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं। लेकिन देश की सुरक्षा एक तो फ्रंट पे लड़ी जाती है, बॉर्डर्स पर, और एक देश के अंदर लड़ी जाती है। देश के बाहर तो आर्मी उस चीज को देखती है, सुरक्षित करती है, लेकिन देश के अंदर पुलिस इस चीज को इंश्योर करती है कि समाज और हर नागरिक देश का सुरक्षित रहे। तो मेरी इच्छा हुई कि जब आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, क्यों ना आप पुलिस की भी तैयारी करें। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोग सिर्फ आर्मी के लिए फोकस्ड हैं, आपकी पुलिस के बारे में क्या राय है, जिसकी वजह से आप लोगों के प्रति के अंदर पुलिस के प्रति वो उत्साह नहीं है। क्या मेरी बात का कोई जवाब देगा? मुझे बताएगा कि ऐसा क्या कारण है कि पुलिस के प्रति हमारा उत्साह नहीं है, क्यों हम पुलिस में नहीं जाना चाहते? अखिल जी कहाँ पे हैं, बताएंगे थोड़ा क्या कारण है कि पुलिस से लोग थोड़ा कटते हैं, पुलिस की जगह आर्मी को थोड़ा चॉइस करते हैं? चलो मैं ही इस बात का जवाब दे देता हूँ। आप लोगों के अंदर एक संकोच है, लेकिन ये एक वास्तविकता है। जो पुलिस की छवि पिक्चरों के माध्यम से बनाई गई है, कहानियों के माध्यम से बनाई गई है, और जो हम रोज तीसरे दिन न्यूज चैनल्स पे देखते हैं, पुलिस की कोई भी अच्छी घटना कभी समाज में शेयर नहीं की जाती। लेकिन कोई गलती होती है, उसको एकदम नेशनल न्यूज बना दिया जाता है, और पूरा का पूरा समाज जो है ना, उस छोटी सी खबर को भी एक बहुत बड़ी खबर समझ लेता है, और उसी से अपनी धारणा बना लेता है कि सारी पुलिस ऐसी ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये वास्तविकता नहीं है। पुलिस को जब तक आप अंदर से नहीं समझेंगे, आप नहीं जान सकते कि पुलिस इस तरीके से नहीं है। पुलिस जो है, आपको पुलिस में रहकर एक अवसर मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पर आप इस समाज में रह रहे जरूरतमंद लोगों को सुरक्षा निश्चित कर सके, साथ ही साथ उनको इंसाफ दिला सके। क्योंकि जो समाज में अच्छे औहदों पर बैठे हुए लोग हैं, संपन्न लोग हैं, वो तो अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रबंध कर लेते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी है और एक जरूरतमंद आदमी है, उसकी सुरक्षा के लिए एक पुलिस वाला ही सबसे ज्यादा काम आ सकता है। क्योंकि जब कोई घटना घटती है, पुलिस वाला ही वहां मौके पर पहुंचता है, या शिकायतकर्ता पुलिस वाले के पास ही आता है। तो जब आपके पास कोई शिकायत करने के लिए आ रहा है, और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से बिना पक्षपात के इंसाफ दिला देते हैं, तो ये इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों को एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते बताना चाहता हूं कि पुलिस जो है आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। हम सब लोगों के अंदर एक जज्बा होता है कि मैं भी अपने देश के लिए, मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं। तो पुलिस एक ऐसा आपको अवसर देता है जहां आप अपने समाज के लिए कर सकते हैं। और अगर आपने दिल्ली पुलिस में भर्ती होना है, तो मैं आपको बता सकता हूं, आपका सबसे पहले इसमें एक फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं दौड़ की, उसी तरीके से ब्रॉड जंप होता है, हाई जंप होता है, और पुशअप्स होते हैं। और सबसे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमारे दिल्ली पुलिस के हर इवेंट पे कैमरा लगा होता है,
और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रखी होती है, जिससे कि जो पुलिस ऑफिसर वहां ड्यूटी कर रहा है वो किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात ना कर सके। और इवेंट खत्म, फिजिकल टेस्ट खत्म होने के बाद उनके पास, बच्चे के पास एक अवसर होता है कि वो अगर उसको लगता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है वो अपनी शिकायत कर सके। वो शिकायत को लेकर फिर एक ऑफिसर कंट्रोल रूम में जाता है, डिप्यूट किया जाता है उसको, और कंट्रोल रूम में जाकर वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग उस इवेंट की देखकर उस बच्चे का जो है बिल्कुल क्लियर कर देता है कि वहां दोष था या नहीं था। और अगर दोष था तो पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है, और अगर दोष नहीं था तो उस जो पार्टिसिपेंट है उसकी कंप्लीट उसको सेटिस्फेक्शन किया जाता है। तो एक ये अवसर है आपके पास, फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट करने के बाद फिर आपका एक रिटन टेस्ट होता है, और रिटन टेस्ट होने के बाद फिर अगर आप क्लियर कर जाते हैं, और रिटन टेस्ट भी बहुत सीक्रेटली होता है जिसमें अपने डिपार्टमेंट का कहीं रोल नहीं होता है, बहुत ही सीक्रेटली सीनियर ऑफिसर्स हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं उनकी देख रेख में वो टेस्ट होता है। और आप जिस टाइम वो क्लियर कर लेते हैं और जब वर्दी पहन लेते हैं, आपको अपने एक सामाजिक रूप और एक पुलिस वाले रूप में एक परिवर्तन नजर आएगा, क्योंकि जब तक आप एक आम आदमी थे तो आपकी आम आदमी वाली सोच थी और आम आदमी की तरह आपका व्यवहार था, लेकिन जिस दिन आप वर्दी पहन लेते हैं आपको कुछ भी कहने से पहले या कुछ भी करने से पहले बहुत ज्यादा सोच समझना पड़ता है, क्योंकि आपने कोई छोटी सी भी गलती कर दी तो वो तुरंत एक हेडलाइंस बन जाता है, नेशनल न्यूज बन जाता है। तो ये चैलेंजेस हैं हमारे इस पुलिस के, लेकिन आपके पास अवसर है, आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं, अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, आर्मी के साथ तैयारी के साथ साथ पुलिस की तैयारी भी कीजिए और अपने देश की सेवा करने का ये अब बहुत अच्छा अवसर है, इसको अपने हाथ से ना जाने। थैंक यू। सभी क्लैपिंग करेंगे। जैसे सर ने बताया किस तरह से दिल्ली पुलिस है, चुनौतियों से भरा है उसका जीवन, जैसे हम चाहते हैं कि आर्मी में जाने के बाद हम बर्फ में जाएंगे, वहां पे जाएंगे और चुनौतियों से अपने देश की रक्षा करेंगे, इसी तरह आप दिल्ली पुलिस के अंदर जाकर भी देश की रक्षा कर सकते हैं। अंदर से भी रक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप जैसे युवा साथी जो ईमानदार, जिनका जीवन एक संघर्षों से भरा जीवन है, वो अगर पुलिस के अंदर जाएंगे तो देश को बहुत ही अच्छे युवा नौजवान मिलेंगे जो देश की रक्षा कर सकते हैं। किसी भी तरह की चुनौती होगी हम उससे खुद ही निपट लेंगे। तो इसी तरह से हम आगे भी आपके बीच में, जैसे पहले आर्मी के कुछ ऑफिसर आपके बीच में आते रहते हैं समय समय पर, लेकिन पुलिस से आज पहली बार हमारे बीच में एक ऑफिसर पहुंचे, उन्होंने बहुत अच्छे से आपको बताया, हम उनका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हाथ जोड़कर, और एक बार जोरदार तालियां उनको लगाएंगे जोर से जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत। सभी को नमस्ते जी।